राजस्थान के कई क्षेत्रों में दो दिन से लगातार जारी बारिश और मध्य प्रदेश से आ रहे पानी के सैलाब के कारण बांध लबालब हो गए हैं, जिनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजस्थान के अधिकतर जिलों का हाल अभी वही है, कहीं खेत टापू बन गए हैं तो कहीं मकाने डूब गई हैं। इस बाढ़ में लोगों के फंसने और मरने की लगातार खबरें भी आ रही है। इसी बीच प्रतापगढ़ से भी ऐसी ही एक खबर सामने आ रही है, जहां एक परिवार दो दिनों से जाखम नदी के टापू पर फंस गया है। इस परिवार में एक महिला की अभी अभी डिलीवरी भी हुई है, लेकिन बिना समय गवाए पुलिस और SDRF की टीम ने मिलकर इनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लंबी कोशिशों के बाद तीन बच्चों को सुरक्षित टापू से बाहर ले आए। अभी बाकी परिवार के सदस्यों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है, लेकिन SDRF ने जल्द उन्हें सकुशल वापस लाने का आश्वासन दिया है। जन सहयोग से और SDRF की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस टापू पर आप जो देख रहे हैं पीछे, इसमें करीब 8 व्यक्ति फंसे हुए हैं, जिसमें बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। फर्स्ट राउंड में 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। SDRF की बोट ने अपनी कोशिश से वहाँ पहुँच करके 3 बच्चों को बचाया। सेकेंड राउंड में भी अभी ये किसी को लेकर के आए हैं, अभी आपको डिटेल दे दी जाएगी और हमारी कोशिश रहेगी पुलिस और प्रशासन की कि इन सभी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा सके। राजस्थान में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान का यह हाल कई कारणों से है। एक तो बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाके डूबने की कगार पर है, ऊपर से चंबल नदी भी अब उफान पर चल रही है। ऐसे में राजस्थान में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है।